मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जीवन चरित्र समूची मानवता के लिए दिग्दर्शन है, प्रेरणा एवं प्रकाश है। उनके जीवन से हम सबको विषम परिस्थितियों में जूझने की प्रेरणा मिलती है। हमारे मनीषियों ने माना है कि श्री राम ही साक्षात धर्म है, अर्थात श्री राम ही सब कुछ है। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं एवं राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में बुधवार अपरहन श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म की व्याख्या को लेकर विद्वानों में कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन अलग अलग व्याख्याओं में धर्म के जितने भी लक्षण बताए गए हैं वे सब श्री राम के पावन चरित्र में समाहित हैं। भगवान श्री राम की कथा जिसने भी सुनी उसके जीवन की सभी व्यथा दूर हुई, उसे भव सागर से मुक्ति मिली और सफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें श्री राम कथा श्रवण का आनंद प्राप्त हो रहा है। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वर्तमान पीढ़ी का सौभाग्य है कि वह श्री राम कथा श्रवण की परंपरा से उस दौर में जुड़ रहे हैं जब श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों के लंबे इंतजार में कई पीढ़ियां चली गईं, लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। श्री राम मंदिर का निर्माण अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करने का भी माध्यम है। अपनी विरासत व महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के ही लिए गोरखनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष ब्रह्मलीन आचार्यों की पुण्य स्मृति में कथा का आयोजन होता है। वार्षिक कथा के श्रवण के लिए श्रद्धालुओं को उत्सुकता से इंतजार रहता है। इस अवसर पर उन्होंने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के श्री चरणों में नमन कर अपनी श्रद्धा निवेदित की। मुख्यमंत्री के संबोधन के उपरांत श्रद्धालुओं को श्री राम कथा का रसपान व्यासपीठ पर विराजमान जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज पीठाधीश्वर अशरफी भवन अयोध्या ने कराया। इस अवसर पर जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास, स्वामी अनंताचार्य, महंत शेरनाथ, संत अवधेश दास, सतुआ बाबा समेत बड़ी संख्या में संतजन, यजमान व श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक सुनाई जाएगी। इसका विराम हवन एवं भंडारे के साथ 13 सितंबर को होगा। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ से पूर्व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मुख्य मंदिर से कथा स्थल तक बैंड बाजे शंख ध्वनि की गूंज तथा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के कथा स्थल पहुँचने पर गोरक्षपीठाधीश्वर ने अखंड ज्योति स्थापित की। गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन महंत द्वय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विभिन्न सामायिक व ज्वलंत विषयों पर व्याख्यान माला का शुभारंभ गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से होगा। शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। पहले दिन 8 सितंबर को आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्ध तक विषय पर व्याख्यान होगा। हटो भैया आगे से, आप लोग हटो, थोड़ा जगह दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए। Thank you.
श्रद्धालुजनों को और पूज्य महाराज जी के जो भी अनुयायी हैं उन सबके
मन में इस वार्षिक कथा का अत्यंत इंतजार रहता है। आज से प्रारंभ होगी 13 सितंबर तक अश्विन कृष्ण तृतीया तक ये कथा अनुव्रत यहाँ पर अपराह्न में 3 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक प्रतिदिन आयोजित होनी है। आज इसका शुभारंभ है। मैं सबसे पहले इस अवसर पर अपने कथा व्यास जी का और इस अवसर पर उपस्थित पूज्य संतों का हृदय से गहराइयों से उन सबका स्वागत करता हूँ, उन सबका अभिनंदन करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जीवन चरित्र हम सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए और पूरी मानवता के एक दिग्दर्शन है, एक प्रेरणा है, एक प्रकाश है। उन्हें निरंतर आगे बढ़ने और विषम परिस्थितियों से जूझने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। और इसीलिए भारतीय मनीषा ने इस बात को माना है कि राम ये साक्षात धर्म है, रामो विग्रहवान। यानी राम ही सब कुछ है, धर्म का ये व्याख्या क्या हो सकती है, इसमें हम भेद हो सकते हैं। धर्म सत्या, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि महापुरुषों ने धर्म के जो लक्षण बताए हैं, अगर वह कहीं पर हम सबको किसी मानवीय चरित्र में भी सब कुछ दृष्टिगोचर होते हैं तो आप पावन चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का और भगवान राम की कथा जिसने भी सुनी उसकी कथा तो दूर हुई, उसको इस भवसागर से मुक्ति का और जीवन में सफलता का मार्ग सोचा ही प्रशस्त होता हुआ दिखाई दिया है। इस देशवासियों का सौभाग्य है, हम सब का सौभाग्य है कि हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का श्रवण करने का प्राप्त होना होगा। एक सप्ताह तक निरंतर ज्ञान के यहाँ पर चलेगा। जगत गुरु शेषाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से पूर्व में भी यहाँ पर इसी मंच से आपको कथा सुनने का आनंद प्राप्त हुआ था और इस वर्ष फिर यह सौभाग्य आपको प्राप्त होगा और ये हम सब की वर्तमान पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि कथा श्रवण की परंपरा इस अवसर पर आप सबको प्राप्त हो रही है। जब अयोध्या में भगवान श्री राम के पावन धाम में उनकी स्वयं की जन्मभूमि पर भगवान राम के युद्ध स्तर पर कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। 500 वर्षों का इंतजार, कई पीढ़ियां चली गई, लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन ये सौभाग्य हम सबके भाग्य में लिखा था कि भगवान श्री राम के अपने मंदिर के निर्माण कार्य को हम लोग अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। ये विरासत के प्रति सम्मान का भाव है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा अपनी विरासत के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी माध्यम है और उसी कृतज्ञता के लिए प्रतिवर्ष अपने पूज्य आचार्यों की स्मृति में यहाँ पर इस पावन कथा का आयोजन के आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर आयोजन समिति को और सभी यजमानगणों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और विश्वास करूंगा कि अगले 1 सप्ताह तक आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, उन सभी में
से सहायता भी होगी और उसे एक नई प्रेरणा और विकास प्राप्त करके आप सब अपने पूर्वजों के प्रति भी, अपनी विरासत के प्रति भी, कार्यक्रमों के माध्यम से उससे विरासत प्रेरणा के माध्यम से कृतज्ञता का व्यक्त कर पाएंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से साधुवाद देता हूँ। आचार्य वे ब्रह्मजीत महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मजीत महंत वेद्यनाथ जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद, जिन पूज्य संत के मुख से सुनने का आनंद हम सबको प्राप्त होगा। कथा व्यास के रूप में यहाँ पर व्याख्यान जगत गुरु रामानुजाचार्य, पूज्य संत श्रीजानाचार्य जी महाराज और अन्य सभी पूज्य संतों का एक बार फिर से यहाँ पर इस प्रांगण में आयोजन समिति की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गुरुभ्यो नमः सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। इतिहास श्रेष्ठ करता है,